अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। अब सबकी निगाहें सरकार के गठन पर टिक गई हैं। सबके मन में अब सवाल ये है कि आखिर नई सरकार में किस सांसद को कौन सा मंत्रालय मिलने जा रहा है, और बड़ा सवाल ये भी है कि मोदी सरकार के बड़े चेहरों के क्या इस बार मंत्रालय बदल दिए जाएंगे। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को लेकर भी सबके मन में सवाल है कि आखिर पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि अमित शाह दो बार पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और पार्टी के संविधान के मुताबिक एक व्यक्ति दो बार से अधिक पार्टी का अध्यक्ष नहीं रह सकता, तो इस बार अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। लिहाजा ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि इस बार की मोदी सरकार में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को बड़ा स्थान दिया जा सकता है। सरकार के गठन को लेकर जारी गहमा गहमी के बीच पार्टी के कई नेताओं का ऐसा विचार है कि शाह मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, उन्हें गृह मंत्रालय दिया जा सकता है। चुनाव से पहले ही अमित शाह के मंत्रालय को लेकर चर्चा होने लगी थी कि मोदी सरकार आई तो वे गृह मंत्री बनेंगे। सवाल ये भी है कि अगर अमित शाह गृह मंत्री बनेंगे तो फिर राजनाथ सिंह क्या करेंगे? राजनाथ सिंह को कोई और मंत्रालय मिलेगा या फिर बराबरी की कोई नई जिम्मेदारी? वैसे तो अमित शाह के कैबिनेट में आने के बाद बीजेपी की कमान संभालने के पहले दावेदारी नितिन गडकरी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं क्योंकि चुनाव के पहले उनके बयानों को देखते हुए मोदी और शाह ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। इसे माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह को ही एक बार फिर पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। राजनाथ सिंह पहले भी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और मोदी के विश्वसनीय माने जाते हैं। नितिन गडकरी मोदी गुट के नहीं माने जाते और कई मोर्चों पर वो इशारों ही इशारों में मोदी सरकार पर सवाल उठा चुके हैं, जिनका खामियाजा अब गडकरी को उठाना पड़ेगा। हालांकि गडकरी संघ के करीबी लोगों में से एक हैं, लेकिन मोदी शाह ऐसा कोई रिस्क लेंगे नहीं। अगर ऐसे में अमित शाह को गृह मंत्रालय मिलता है तो राजनाथ सिंह एक बार फिर पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। खबर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक ऐसी ही खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।